रात के 1:30 बज चुके हैं अभी। तो भाई हम लोग नाइट क्लब पहुंच चुके हैं कोतनू के, देखते हैं कैसे यहाँ के नाइट क्लब्स हैं, नाइट लाइफ कैसी है यहाँ की। वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। कोतनू दिस द फर्स्ट रिलीजन ऑल अफ्रीका। भाई भाई साहब को पहनाया जाएगा। सर टू इट मी टू। मेरे को कपड़े खरीदना पड़ेगा, फिर उसको सिलवाना पड़ेगा। इंडिया में तो नहीं मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा। कौन पहनता है इंडिया में सर? कि ऐसे कपड़े इंडिया के बने, मेड इन इंडिया, लेकिन इंडिया में नहीं मिलेंगे। मर्सी बुकू। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम वेस्ट अफ्रीकन कंट्री बेनिन। अभी मैं बेनिन की लार्जेस्ट सिटी कोतनू में हूँ, और ये गौरव भाई। हेलो। और साथ में तीन इंडियंस भाई और भी हैं। हेलो, दीपक। दीपक आप कहाँ से हैं? अजमेर सर, इंडिया। अजमेर से। अच्छा, आप ही सिटी से हैं? हाँ, हम दोनों एक ही सिटी। अच्छा, अच्छा। और आप भाई जी? हेलो, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। गुजरात से? यस। आपका नाम? माय नेम इज सुशील लोहानी, राज जोधपुर से। मिलिट्री के यसर यसर वाला। ये सारे लोग एक साथ यहाँ पे काम करते हैं, तो आज हम लोग का प्लान है कोतनू की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने का, यहाँ के क्लब्स वगैरह एक्सप्लोर करने का। मेरा प्लान नहीं था, ऐसे रैंडमली बन चुका है प्लान, देखते हैं कैसा रहता है। तो लेट्स गो। यार टाइम तो मैंने बताया नहीं, अभी रात के 1:30 बज रहे होंगे। ऑलमोस्ट रात के 1:30 बज चुके हैं अभी। ये है कोतनू की रात के 1:30 बजे सुनसान सड़कें। ये कारा फोर है, देखो दिन में खंडन जगह नहीं रहती है। तो भाई वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और इंक्वायरी कर रही है। आई डोंट नो इतनी रात को पुलिस की गाड़ी क्यों आई है, पुलिस लोग क्यों आए हैं। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, निकल लेंगे 2-4 मिनट में। तो भाई लोग बोल रहे हैं पुलिस वाले ऐसे ही फालतू रोक लेते हैं पैसे वैसे मांगने के लिए बिना मतलब के। नॉर्मल है यहाँ पे। अच्छा, पहुंच गए हम लोग। ओके, तो भाई हम लोग नाइट क्लब पहुंच चुके हैं कोतनू के, देखते हैं कैसे यहाँ के नाइट क्लब्स हैं, नाइट लाइफ कैसी है यहाँ की। तो ये पूरा बिल्डिंग ये क्लब है। नीचे के दो फ्लोर जो है ऑफिस है, टॉप फ्लोर जो है। अच्छा, टॉप फ्लोर क्लब है ये एकदम ऊपर। ओके, दिन में काम होता है, रात में। ओके ओके। तो ये देखो भाई, ये टेरेस पे जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे क्लब है, ये द डेंसिटी, डेंसिटी कुछ ऐसा है। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा नाम है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। हेलो, तो देखो भाई हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से 3rd फ्लोर पे। भाई गिरने लगा ये तो सारे लोकल ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक्स हैं। यूकी मैंने पिया, इसको पिया था मैंने, ये भी लोकल ब्रांड है। कोला नाइजीरिया का ये। चीयर चीयर चीयर। तो गाइस हम लोग अराउंड 1:30 बजे घर से निकले थे पब जाने के लिए, क्लब जाने के लिए यहाँ पे।
हम लोग 3 से 4 पब गए होंगे, हम लोग ने यहाँ पे क्लब हॉपिंग या पब हॉपिंग करी, सुबह के 5:30 बज चुके हैं, 4 घंटे बाहर थे, 4 घंटे बाहर सही था, काफी वाइब्रेंट है यहाँ की नाइट लाइफ। तो वीडियो भी खत्म नहीं करते, ये पार्ट अभी खत्म करते हैं, आगे फिर वीडियो आगे कंटिन्यू होगा, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। अभी तक आप लोगों ने अफ्रीकन रिलीजन वुडू को देखा, माली में देखा, टोगो में देखा, बेनिन को वुडू रिलीजन का बर्थ प्लेस बोला जाता है। राइट राइट, यहाँ से मतलब काफी सारे जो इमिग्रेंट है वहाँ जाके उन्होंने सिखाया है, हाँ, हाँ, ऐसा ही हुआ है टोगो में और अदर कंट्रीज में। अराउंड 65% बेनिन के लोग वुडू में बिलीव करते हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग यहाँ के वुडू में बिलीव करते हैं और 20% लोग वुडू रिलीजन को फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा क्या ध्यान से रहना पड़ता है, आप ज़्यादा एनिमी नहीं बना सकते किसी अफ्रीकन को, क्योंकि उनको क्या ये मैजिक और ये सब करते हैं तो मैजिक ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक, तो काफ़ी इंडियंस इफेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, काफ़ी इंडियंस इफेक्ट हो चुके हैं, उनको ब्लैक मैजिक कर देते हैं। हाँ, ब्लैक मैजिक कर देते हैं, फिर उनको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, बहुत ऐसा भी है, डिजीजेज हो जाती हैं। अच्छा, इफेक्टिव काफ़ी है। हाँ, बहुत ज़्यादा वुडू। तो अभी हम लोग कोतुनू से वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्चुअली टोगो की तरफ जा रहे हैं, टोगो का हाईवे ही टोगो चला गया ये हाईवे, वहाँ पर हम लोग एक टाउन जा रहे हैं जिसका नाम है वीदा, और वीदा टाउन को वुडू का बर्थ प्लेस बोला जाता है। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, आधे से पौन घंटे में हम लोग वीदा पहुँच जाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वहाँ पर जाके, आप लोगों को दिखाता हूँ पहुँच के मैं। तो हम लोग एग्जैक्टली वो जगह जा रहे हैं जहाँ पर वुडू का या फेटिश का बर्थ हुआ था। सो गाइस, अब हम लोग कोतुनू से 40 किलोमीटर ड्राइव करके पहुँच चुके हैं वीदा, और वीदा विलेज है ये, जो हमारे ड्राइवर साहब हैं ये बोल रहे हैं यहाँ पे जादू टोना काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्लैक मैजिक बहुत सारे यहाँ पे, काफ़ी सारे वैसे स्ट्रक्चर्स भरे हुए हैं, पुराने पुराने पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं जादू टोना वाली यहाँ पे। ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई ये चर्च पड़ा है वीदा टाउन में, वीदा विलेज में एक्चुअली, काफ़ी बड़ा चर्च है ये, काफ़ी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये देखो भाई, काफ़ी विशाल का है वृक्ष है ये, टिकट हाँ ओके ओके टिकट आप मैं कह रहा था फोटो ये देखो दे। कैमरे का एक ही टिकट दिया आप ऐसे दोनों को लिया कि टिकट एक ही दिया कैमरे का, यही है। हम लोग बेनिन के सबसे टॉप सबसे पॉपुलर लोकेशन पे आए हुए हैं, टेम्पल ऑफ पाइथन। टेम्पल ऑफ पाइथन जगह का नाम है वीदा, द बर्थ प्लेस ऑफ वुडू, और ये टेम्पल वुडू से रिलेटेड ही है। यहाँ पे ये पाइथन का टेम्पल है एक्चुअली। यू आर अ गाइड, हां? यू वर्क हियर एज अ गाइड? वेलकम। Merci beaucoup. You are now in Ouida City. Okay. Have the 5 countries, the white men who came to buy the slaves. Oh. The first we had Portuguese, the Dutch, England, French, and Poland. Out of the town we have 441 temples. Oh, Python temple? No, different temple. Different kind of temple. Yeah. Ready to voodoo? Yeah, 441. Oh, bye. Vida me. अराउंड 450 टेम्पल है वुडू से रिलेटेड, इतना ज़्यादा उसके अंदर जा रहे हैं। टेम्पल ही एग्जिस्ट सिंस 1624। इट ओपन इन 1624, 400 इयर्स बिफोर। एक्जेक्टली। वुडू इज द फर्स्ट रिलीजन ऑल अफ्रीका। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना और पहला रिलीजन था वुडू, और इस कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है। वुडू इज द फोर एलिमेंट्स, ग्राउंड, एर्थ, वाटर, एंड we have the fire. I like your cloth. Thank you. Very colorful. This is the god who symbolizes all the python to the this temple. Oh, the only god the of chief, python. Yeah. Only the chief have the possibility go inside and doing the ceremonies. Oh. एक ये royal python आ रहा है, ये देखो, और ये भाई साहब को पहनाया जाएगा. और तो ये touching. Oh. Touching. It's getting aggressive. Then we can put in your leg. Okay. Okay. Can I kiss it? I think it's a male. This is a male. जो male python होते हैं छोटे होते size में, female python size बड़े होते हैं। छोटा तो समझ गया कि male ही है। You? Me too. Yeah. ये दूसरा experience है, पहला मुरक्को में हुआ था, मराकेश में हुआ था, वो snake था मराकेश में, ये python है। So here we have today 50 python. 50 pythons. Okay. But all the days, the snake python drink just the water. They drink only water? Yeah. But the night, every day, we open this door, and the snake go out to the town, went to hens to eat the insects and the small chicken. And he'll come back all in to the temple. Okay. Whether you're going to the town, you can see the snake on your way or on your home. We bring it and come to put in to the temple. देखो भाई, पूरे टेम्पल में
जमीन में भी यहाँ ऊपर साइड भी हर जगह पैथॉन ही पैथॉन, टोटल 50 पैथॉन है इस टेम्पल में। काफ़ी जगह इन लोग अभी पड़े हुए हैं, जहाँ नजर आई हर जगह पैथॉन ही पैथॉन है, रॉयल पैथॉन। देखो भाई एक ही ऊपर एक पड़े हुए हैं पूरे। देखो ये काफ़ी मोटा और काफ़ी बड़ा है, ये फीमेल पैथॉन है, जो पतले छोटे हैं वो मेल पैथॉन है। यहाँ जितने भी रॉयल पैथॉन है इन लोग सेवरल वीक तक बिना खाए रह सकते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि डेली छोड़ते हैं, बट बहुत सारे सोर्सेज बोलते हैं कि इन लोग को वीक में एक बार इस टेम्पल से छोड़ दिया जाता है। पूरे नेबरहुड में लोग चले जाते हैं, आसपास के घरों चले जाते हैं, उनको जितने भी रोडेंट मिलते हैं, रैट मिलते हैं, बर्ड मिलते हैं, छोटे चिकन मिलते हैं, सब उन लोग खा लेते हैं यहाँ जो पाइथन है, और खुद ही से वापस भी आ जाते हैं टेम्पल के अंदर। यहाँ आसपास जितने भी घर है ना, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर यहाँ के पाइथन के घर में आते हैं खाते। ऐसा सदियों से होते चला आ रहा है, 400-500 साल से, जब से टेम्पल है यहाँ पे। टीबी भाई वुडू रिलीजन की कोई गॉड है ये? आयरन गॉड, आयरन गॉड। इसमें काफी आयरन के सामान पड़े हुए हैं। प्रे हियर, या प्रे। यू फॉलो वुडू रिलीजन? या। ओके ओके, वही वुडू रिलीजन को मानने वाले हैं। आई लाइक योर क्लोथ। थैंक यू। द रिलीजन इज दिस। तो भाई मास्क दिख रहे हैं, ये वुडू रिलीजन से रिलेटेड है, कुछ सेरेमनी के। एंड वी हैव हियर मेनी मास्क ऑन द बॉडी। देखो भाई सब के जो लोकल्स के चेहरे पे मास्क बना हुआ है, मास्क ऑन है वो, मास्क वो हो आ रहा है। हां देखो चेहरे पे मास्क है, मास्क हो। ओके सवा सवा, दिस द बाओबाब ट्री। या बाओबाब ट्री है भाई ये 600 इयर्स अगो। ओ 600 इयर्स अगो। ओके तो भाई कोई वुमेन है जो कि पाइथन से रिलेटेड है, ये देखो आपने पाइथन पकड़ी हुई है, लोकल वुमेन है, उनके चेहरे पे भी ट्रेडिशनल मार्क बना हुआ है, यहाँ के लोगों को बना होता है। This is the woman, this is the one woman of here, Uwida. Okay. So he wife the python of God. Okay. So if you see women or men have 10 marks, 1, 2, 3, 4, 5, it's 10. 10 marks. He is okay. The man who came from Uwida. Okay, okay, okay. लगभग 400 साल पुराना टेम्पल ये 16th या 17th सेंचुरी में बना था। So guys, अभी हम लोग वापस कोतनू पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा लोकल लोग काफी कलरफुल कपड़ा पहनते हैं यार, तो मेरा यार काफी मन कर रहा है कुछ वैसा लोकल कलरफुल कपड़े पहनने का, यहाँ का ट्रेडिशनल। मैंने काफी ट्राई किया कुछ रेडीमेड टी शर्ट मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा है, रेडीमेड नहीं मिलेगा इधर तो, रेडीमेड कहीं नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ लोकल शॉप से, यहाँ पे इनफाइनाइट शॉप है भाई, यहाँ कपड़े मिल रहे हैं, तो मेरे को कपड़े खरीदना पड़ेगा, फिर उसको सिलवाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या प्राइसेस है कपड़े का, फिर यहाँ पे उसके सिलवाने का टेलर से। तो एक शॉप में आया, पहले यहाँ पे कपड़े को पसंद करते हैं। काफी सारे यहाँ पे कपड़े हैं, डिजाइन है, कलर है। तो देखो भाई कितनी सारी अलग अलग यहाँ पे वैरायटीज है, डिजाइन है, कई सारे पैटर्न्स है, कलर है। ये सारा टेक्सटाइल क्लोथ कहाँ से आ रहा है बनके? मैक्सिमम इंडिया से। इंडिया से आ रहा है पूरा? इंडिया से है ये पूरी मार्केट में? हाँ लगभग 90% इंडिया का, 10-20% चाइना का होगा। अच्छा, और इंडिया में मिलेगा ये? इंडिया में तो नहीं मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा। कौन पहनता है इंडिया में सर? मतलब कि ऐसे कपड़े इंडिया के बने, मेड इन इंडिया, लेकिन इंडिया में नहीं मिलेंगे। बहुत रेयरली कोई कंपनी फैक्ट्री पहुंच गया, इंडिया का बना कपड़ा यहाँ खरीदना पड़ रहा है। हम लोगों ने दो कपड़ा डिसाइड किया हूँ, दो ले रहा हूँ, लेने आया था एक, लेकिन दो ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सस्ता है। 125 रुपए, बहुत सस्ता है। मुझे लगा 300-400 होगा, इसलिए मैंने ये सोचा। अफ्रीकन के हिसाब से बना हुआ है, वो अफोर्ड नहीं करते इंडिया से आने के बाद भी। हाँ इंडिया। तो देखो भाई एक डिज़ाइन मैंने ये लिया, काफ़ी सोबर लग रहा है, सिर्फ 1000 सेफा में। एक डिज़ाइन ये है देखो, इसमें अफ्रीका का मैप बना हुआ है, कुछ ट्राइब्स की फ़ोटो है, थोड़ा ये अफ्रीकन डिज़ाइन है, तो मैंने दोनों ले लिया है, अफ्रीकन टाइप का भी, थोड़ा अलग टाइप का भी ले लिया हूँ। अब देखते हैं इसके स्टिचिंग का क्या लगता है। आधे घंटे लग गया कलर डिसाइड करने में, समझ में नहीं आ रहा था क्या ले क्या नहीं ले। यहाँ के डिज़ाइन ही ऐसे हैं कि अपने इंडिया में मैच ही नहीं होंगे। इतने सारे चॉइसेस हैं, इतने सारे पैटर्न हैं। सब तो देखो भाई ये काट रही हैं, ये अफ्रीकन डिज़ाइन जो है अफ्रीकन मैप और ट्राइब के साथ। ओके मर्सी 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 बुकू। सो गाइस ये टेलर की शॉप है जहाँ पर टी शर्ट बनेगी। अभी ये मेरा मेजरमेंट लेंगे। ओके ओके ओके। यस गुड।
तो बॉडी मेजरमेंट हो चुका है, एक दिन के बाद बना के देंगे। एक टी शर्ट सिलने का इनिशियली उन्होंने 5000 सेफा मांगा, लोकल रेट 1000-1500 सेफा होता है टी शर्ट का, तो 5000 मांगा जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ने फाइनली 2000 सेफा में डन किया, फिर भी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ठीक है चलो, ठीक है करना पड़ा। हाँ तो टोटल एक टी शर्ट का पड़ा 3000 सेफा, 3000 सेफा में पूरा, 350 रुपए के आसपास लोकल अफ्रीकन टी शर्ट। तो जब मिलता है तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मे बी शायद नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हम लोग बेनिन में एक सेकेंड हैंड कार पार्क में आए हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी क्वान्टिटी में सेकेंड हैंड कार यहाँ पे बाई और सेल की जाती है, ट्रेडिंग पार्क है एक्चुअली ये कार का। तो देखो भाई कितना ज़्यादा बड़ा पार्क है भाई, पूरा तो पार्क ख़त्म ही नहीं हो रहा, ज़्यादा नज़र जा रही है। और यहाँ पे लाइन से हज़ारों कार, यहाँ पे गाड़ियाँ हैं सारे ब्रांड्स की, सारे वैरायटी की, हर एक कलर की देखो, और ऑलमोस्ट सारी ये सेकंड हैंड है। आई थिंक शायद नेबरिंग कंट्री से भी लोग यहाँ खरीदने आते होंगे, सब नाइजीरिया से भी आते हैं, नाइजीरिया, निजर, टोगो, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क्स हैं यहाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट कार सेलिंग पार्क, कार पार्क, लग्जरी गाड़ी ब्रांड का तो ब्रांड ही नहीं पता मेरे को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2002 की है ये, 2005 की है, कोई 15 साल पुरानी, कोई 20 साल पुरानी गाड़ी, तो पूरी 20 साल पुरानी गाड़ी है, फिर कंडीशन कितनी अच्छी है। टेनेसी लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, यूएस का स्टेट है ये। हाँ यूएस टेनेसी से, वही यूएस से आई है ये, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे आके सेल होती है गाड़ियाँ, यूएस से भी है, यूरोप से भी है काफ़ी गाड़ियाँ। हाँ तो जिस कंट्री से आई है उनका नंबर प्लेट तक लगा हुआ है, पूरा यूएस का नंबर प्लेट है ये, रेंज रोवर, इंडियन ब्रांड, इंडियन ब्रांड ही हो गया। जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ गाड़ियाँ गाड़ियाँ ही दिख रही हैं। ओ सब लग्जरी गाड़ियाँ, ये देखो सिर्फ 1-1.5 साल पुरानी गाड़ी भी बिक रही है। हुंडई की टक्सन है, ये कनाडा से इंपोर्ट होके आई है, 2020 मॉडल है, लगभग 2 साल पुराना मॉडल है। तो भाई ये 13 लाख की पड़ रही है गाड़ी, ऑलमोस्ट हाफ रेट, ये एक एकदम क्या बोलते हैं डील, ये डील मिल रही है। मर्सिडीज की कार है ये, ऑटोमेटिक, वो भी 2011 की, अराउंड 10 साल पुरानी गाड़ी है, और अराउंड इंडियन रुपीज में 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की मर्सिडीज की गाड़ी मिल रही है। तो देखो भाई इस मर्सिडीज कार का इंटीरियर देखो, पूरा लग्जरी इंटीरियर है, पूरा नया ही लग रहा है, 5 लाख रुपए में, हाँ इंडिया मिले तो 1 मिनट में बिक जाए। अच्छा यहाँ पे अराउंड 1000 गाड़ियों के आसपास तो होगा ही, इस टाइप के और भी पार्क होंगे, सिर्फ एक ही है ये, यहाँ का सिर्फ एक पार्क। अच्छा यहाँ पे और भी होंगे, अलग एरिया में अलग अलग पार्क हैं। ओ पूरी नेबरिंग कंट्री से, पूरे वेस्ट अफ्रीका से लोग यहाँ पे खरीदने आते हैं सेकंड हैंड कार सस्ते प्राइस में। अब हम लोग घर पे आ चुके हैं, एक्चुअली ये लंच है, ये दोपहर में करना था लेकिन ऑलरेडी लेट हो चुका, हम लोग शाम के टाइम पे लंच कर रहे हैं। गौरव जी ने बनवाया है, ये खिचड़ी है, ये मूंग दाल की खिचड़ी है, मूंग दाल की खिचड़ी है तड़के के साथ, साथ में भिंडी एंड आलू की सब्जी है। तो ये वीडियो फिर यही खत्म कर देगा, आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में।